पूजा समय रे शंख काहीकि बजा जाए वो शंख नादर महात्मा विषय रे या पूर्वरु आम मान चर्चा करिछे। शंखर शब्द हेउछि एक पवित्रकारी शब्द। ए शब्द जेते दूर पर्यंत सुभिबो अनिष्टकारी शक्ति लोप पायो बोली दृढ़ विश्वास रहिछि। शंख बजा जाउथिबा चतुर्पार्श्वरे एक आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि होइथाय। भक्तर हृदय रे आध्यात्मिक कंपन जागृत हुए। भक्त भगवान प्रति आकर्षित होइथाय। सेथिपाई पूजा समय रे शंखनाद करा जाइथाय। तबे आसंत जानिबा शंख बजेया समय रे कौन करिबा उचित। शंख बजेया समय रे मथा बा मुंड को सामान्य ऊपर को उठाई बजाइबा उचित, कारण यहाद्वारा जीवर सुषमा नाड़ी कार्यरत होइथाए। आखि बंद करी बेक उठाई शंख बजाइले ऊर्ध दिगर प्रक्षेपित ईश्वरीय निर्गुण सूक्ष्मतर तरंग को आवाहन करिपारे, फलरे आराध्य देवता जाग्रत होई भक्त उपरे करुणावृष्टि करिबे। आहुरी मध्य विज्ञान मत अनुजाई बेक उठाई पछकु झुंकि पड़ी शंख बजाउथिया भक्तर सुषमा नाड़ी कार्यरत हेबा जोगु मुखरु बाहरुथिया वायु और तेजर तत्व संबंधरे तरंग द्वारा रज सत्व कणारे योग्य संतुलित होइथाए। शंखनाद कंपन द्वारा चतुर्पार्श्वरे थिबा अनिष्टकारी शक्ति लोप पाए। चक्षुर दृष्टिशक्ति वृद्धि हुए, स्मरण शक्ति वृद्धि हुए, शरीर निरोग रहे। सर्वोपरि दीर्घ समय धरी शंख ध्वनि जोगु वातावरण मधुमय हुए। भगवान श्रीकृष्ण गोपरे रहुथिबा समय रे बंशी ध्वनि करथिले, मात्र गोप छाड़िया परे तांक सहित रहिथिला शंख बा पंचजन्य शंख। शंखर मूल भागरे चंद्र, पार्श्वरे वरुण, पृष्ठ भागरे प्रजापति, अग्र भागरे देवी गंगा एवं सरस्वती रहिछन्ति। तेणु शंख रहिथिले कौनसी अनिष्टकारी शक्ति बा नकारात्मक शक्ति मनुष्यर कौनसी क्षति करिपारिबे नाही। शंख शब्द हेउची विजयर संकेत। एथिपाई प्राचीन कालरे राजाज्ञा घोषणा समयरे शंख बजा जाउथिला। शंख दुई प्रकार रहिछि, बामवर्त एवं दक्षिणावर्त। तेबे बामवर्त शंखटारु दक्षिणावर्त शंखकु अधिक पवित्र बोली मान्यता रहिछि। सेथिपाई दक्षिणावर्त शंखकु पूजा घरे रखि पूजा करा जाइथाय। विभिन्न शुभ कार्यरे बामवर्त शंखर ध्वनि बा शंखनाद करा जाइथाय। एहिपरि अधिका खबर जानिबा पई आमर चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु।